हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा हाउ आर यू ऑल आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन सो फ्रेंड्स अप्रोचेस डिस्कस कर रहे हैं एंड uh, अभी तक हमने तीन अप्रोचेस बेसिकली डिस्कस कर लिए हैं एंड दिस इज़ द फोर्थ वन मार्क्सिस्ट अप्रोच को डिस्कस करेंगे जल्दी से सो एम सी क्यू कोर्सेज यू कैन परचेज एंड सेल आपकी चल रही है फिफ्थ जुलाई तक आप कोड यूज़ कर सकते हो सेल फिफ्टी फॉर गेटिंग दिस द डिस्काउंट ऑन दिस कोर्सेज फिफ्टी परसेंट आपको डिस्काउंट इसके ऊपर मिल जाएगा कोई भी डाउट हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो या मेल कर सकते हो इन डिटेल्स के ऊपर ओके okay? चलिए तो मार्क्सिस्ट अप्रोच को रेडिकल पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है वैसे तो मार्क्स थ्योरी हमने पहले भी देखी है जब हम थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म देख रहे थे तो मार्क्सिस्ट अप्रोच का हमें आइडिया वहां से भी लग जाता है कि बेसिकली ये अप्रोच क्या पॉइंट लेकर के चल रही है ठीक है तो मेनली यहां पर भी क्लास को ही एनालाइज किया जा रहा है ऑलराइट राइट right. एंड क्लास कन्फ्लिक्ट के बेसिस पर ही आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन जो हैं उनको डिराइव किया जा रहा है बेसिकली जो मार्क्सिस सोशल थिंकिंग है या इंटरप्रटेशन है अगर मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन के कंटेक्ट में देखता हूँ तो वो क्लास कंफ्लिक्ट के ऊपर ही बेस्ड है ओके सो मार्क्सिज्म को एज अ मेथड ऑफ सोशल इंक्वायरी मैं देख सकता हूँ सोशल इंक्वायरी इंटू द पावर रिलेशनशिप अब सोसाइटी के अंदर देखो मार्क्सिस्ट अप्रोच या मार्क्स जो आइडियोलॉजी है वो क्या बात करती है वो पावर रिलेशनशिप की तो बात करती है इन इन द सोसाइटी पावर रिलेशनशिप जो आपकी सोसाइटी में बिटवीन द कैपिटलिस्ट क्लास एंड बिटवीन द लेबर क्लास है पावर रिलेशनशिप जो आपकी सोसाइटी में बिटवीन द रिच एंड द पुअर है पावर रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी विद इन द सोसाइटी जो आपके अपर कास्ट और लोअर कास्ट के अंदर है ठीक है तो उसी पावर रिलेशनशिप uh, की यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन के कंटेक्स में भी आपके बात हो रही है ओके एंड इसी पावर रिलेशनशिप के बेस के ऊपर जो आपका पॉलिटिकल और सोशल उसमें है आपकी कंट्री के अंदर या आपके रीजन के अंदर वही पावर रिलेशनशिप जो पॉलिटिकली और सोशली प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर रीजन में वही इंडस्ट्री के पावर रिलेशनशिप को भी डिफाइन करेगा ठीक है अब जो हम जब मार्क्सियन थ्योरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ज्यादातर जो नाम आता है वो कार्ल मार्क्स आता है ठीक है कार्ल मार्क्स इज द फादर ऑफ मार्क्सियन थ्योरी लेकिन जब हम बात करते हैं मार्क्सियन थ्योरी की एप्लीकेबिलिटी की इनटू द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप तब जो मेजर कंटेक्स आता है इसके अंदर वो काल मार्क्स की थ्योरी का नहीं आता वो जो कार्ल काल मार्क्स के बाद जो आ, आगे चल करके मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स आए दे हैव यू नो गिवन मच एम्फोसिस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी इनटू द इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑलराइट सो ये एक चीज जो है वो आपने ध्यान में रखनी है कार्ल मार्क्स ने तो ओवरऑल मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी दे दी थी कि भैया ये कन्फ्लिक्ट है लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन के कंटेक्स्ट में आगे चल करके लोगों ने आगे के स्कॉलर्स ने इसमें बात की ठीक है फॉर मार्क्सिस्ट इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप कैन ओनली बी अंडरस्टूड एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एनालिसिस ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी ठीक है ब्रॉडर जब आप एनालाइज करोगे कैपिटल सोसाइटी का उसके बाद ही आप जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन को इस्टैब्लिश कर सकते हो ठीक है उसमें आपके सोशल रिलेशन भी आ जाएंगे प्रोडक्शन के आपके कैपिटल एक्यूमिलेशन के डायनेमिक्स भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जैसे अब मार्क्स ने एक स्टेटमेंट दिया मार्क्स ने क्या बोला कि द मोड ऑफ प्रोडक्शन इन मटीरियल लाइफ डिटरमाइंस द जनरल करेक्टर ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेस ऑफ लाइफ जो आपका प्रोडक्शन है जो हो रहा है आपके जो ओनरशिप है क्या वो प्राइवेट है या पब्लिक है सरकार के पास है या प्राइवेट ओनरशिप है उसके ऊपर आ गया उसमें जो जो आपका काम हो रहा है, जो हो रहा रहा है 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 प्रोडक्शन वो लेबर ओरिएंटेड या मशीनरी ओरिएंटेड है ठीक है तो मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गया ना ये सारी चीजें तो ये जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है जो आपकी मटेरियल लाइफ के अंदर है ये आपकी सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक को डिटरमिन करेगा ये आपके पॉलिटिकल करेक्टरिस्टिक को डिटरमिन करेगा एक सोशलिस्ट सोसाइटी में एक मार्क्सिस्ट सोसाइटी में जो पॉलिटी होगी वो डिफरेंट होगी एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी से मोड ऑफ प्रोडक्शन एक मार्क्सिस्ट सोसाइटी में डिफरेंट होगा एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी से ऑलराइट right. तो ये सारी चीजें जो है डिटरमाइन करेंगे यहां पर अब मार्क्सिस्ट अप्रोच प्राइमरीली क्या कहती है कि देखो भैया जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशन है जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक पावर स्ट्रगल है कैपिटल और लेबर क्लास के बीच में हॉल राइट right. नाउ द स्ट्रगल ऑफ दीज क्लासेस टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन ये दोनों क्लास क्या करती हैं स्ट्रगल करेंगे आपस में अपनी पोजिशन को कंसोलिडेट करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए अल्टीमेटली ये देखने के लिए कि कौन ज्यादा इन्फ्लुएंस कर पाता है दूसरे को ठीक है जी इसी वजह से मार्क्सिस्ट अप्रोच जो हम कंक्लूड कर सकते हैं वो क्या कहता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन को वो पावर स्ट्रगल से इक्वेट करता है कंक्लूड इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम एज पर द मार्क्सिस्ट अप्रोच यू कैन डायरेक्टली से दैट इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम इज इक्वल टू पावर स्ट्रगल यहां पर स्ट्रगल हो रहा है ओके okay? जैसे हमने बाकी की अप्रोचेस देखी हमने आपकी ऑक्सफोर्ड अप्रोच देखी उसमें क्या बोला जा रहा है कि भैया आप जो है ट्रेड यूनियंस है और जो मैनेजमेंट है दे विल सिट एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग इज द प्रोसेस पर यहां पर कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात नहीं हो रही यहां पर स्ट्रगल की बात हो रही है टू आर डिफरेंट टर्म्स ठीक है टू आर डिफरेंट थिंग्स कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या है कि एक तरफ इंप्लॉयर बैठे हैं टेबल पर एक तरफ इंप्लॉयीज बैठे हैं ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं एंड बोथ आर रेडी टू यू नो गिव एंड टेक फ्यू थिंग्स ठीक है to, you know, ऐसा नहीं है कि उस कलेक्टिव बार्गेनिंग में कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक जो साइड है वो कंप्लीटली डिक्टेट करेगी और दूसरी साइड जो है वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करेगी ऐसा नहीं होता लेकिन <laughs> लेकिन पावर स्ट्रगल में क्या कोशिश रहती है कि हमारी सारी बातें मानी जाएं ठीक है तो इस कंटेक्स में ये दोनों चीजें डिफरेंट हो जाती हैं नाउ द प्राइस पेबल फॉर लेबर इज डिटरेशन बिटवीन द कंफ्लिकिंग पार्टी यहां पर अब जो प्राइस भी पेबल होगा लेबर को जो उनकी वेजेस दिए जाएंगे सैलरीज दिए जाएंगे प्राइस दिए जाएंगे वो भी कैसे डिटरमाइन होंगे कन्फ्लिक्ट से डिटरमाइन होंगे कन्फ्रंट्रेशन से डिटरमाइन होंगे ऑल right. अब जो कैपिटलिस्ट होंगे मार्क्सिस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो लेबर को लोएस्ट प्राइस पे परचेज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इससे उनके जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो हो जाएगा ऑल राइट नॉट द लोअर द प्राइस पेड बाय द ओनर ऑफ द मीन ऑफ प्रोडक्शन फॉर द लेबर द ग्रेटर विल बी हेज प्रॉफिट द मार्क्सिस्ट एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन हाउ एवर इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच जब हम अब अप्रोचेस को कंपेयर करेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन की तो हम देखेंगे कि मार्क्सिस्ट अप्रोच एक कॉम्प्रसिव अप्रोच निकल करके नहीं आती है क्योंकि इसका जो मेन फोकस है वो सारे का सारा किसके ऊपर है कि भैया क्लास कंफ्लिक्ट हो रहा है कैपिटल और लेबर के बीच में ठीक है बाकी की चीजों के ऊपर कोई कंसिडरेशन ही नहीं है है ना तो हम कह सकते हैं कि ये एक जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है ना ये इंडस्ट्रियल रिलेशन के कंटेक्स में कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है ये तो एक जनरल सी थ्योरी है जो उस पर्टिकुलर सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही है ओके या जो सोशल चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है जिसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन के ऊपर आ जाता है

और ये सारी चीज़ें हैं जो बोला जाता है कि कोडियल इंडस्ट्रियल रिलेशन कि भाई फ्रेंडली रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं इम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या कहती है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है ऐसा क्यों मार्क्सिस्ट का ये मानना है कि ये जो इनिशियेटिव हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जो डिज़ाइन की गई हैं कि किसी तरह से मैनेजमेंट कंट्रोल को इम्प्लॉयज़ के ऊपर री कर दिया जाए इंप्लॉइज को थोड़ा सा खुश कर दिया कि हाँ भैया मालिक ने मेरे से पूछ लिया मेरे को टेबल पे बिठा के कि तुझे क्या चाहिए उसके बाद की मालिक ने अपनी मर्जी की लेकिन इंप्लॉय बेचारा खुश होकर के घर चला गया कि मेरे से पूछ के किया है है ना तो इससे क्या होता है एक तरह से मैनेजमेंट कंट्रोल री करने की यहां पर बात हो गई कैपिटलिस्ट सिस्टम में मार्क्सिस्ट अप्रोच के थ्रू ओके ट्रेड यूनियंस को मार्क्सिस्ट अप्रोच किस तरह से व्यू करते हैं ट्रेड यूनियंस को व्यू किया जाता है एज लेबर रिएक्शन टू एक्सप्लॉयटेशन बाय कैपिटल ठीक है और एक वेपन की तरह व्यू किया जाता है जो सोशल चेंज को लेकर के वेज रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो है वो सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट अप्रोच ट्रेड यूनियन के लिए वेज वगैरह से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है वो सारे के सारे के सेकेंडरी है मेन जो ट्रेड यूनियन का पर्पज है वो क्या है कि वो एक रेवल्यूशनरी सोशल चेंज लेकर के आए ठीक है है उनका फोकस जो इट शुड बी ऑन द इंप्रूविंग द पोजिशन ऑफ द वर्कर्स विद इन दैपिटल कैपिटलिस्ट सिस्टम लेकिन ट्रेड यूनियंस भी जो एग्जिस्ट करती हैं, अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट अप्रोच वो पॉलिटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम को ओवरथ्रो करने की बात नहीं करती वो उसमें उस वर्कर्स की पोजिशन को इंप्रूव करने की बात करती है ठीक है और जितनी भी स्ट्राइक्स होती हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर मार्क्सिस्ट अप्रोच वो सारी की सारी स्ट्राइक्स पॉलिटिकल होती हैं जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये वेज रिलेटेड डिस्प्यूट वगैरह तो सेकेंडरी है मेन तो पॉलिटिकल सोशल और एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाने की यहां पर कोशिश की जाती ऑल अबाउट मार्क्सिस्ट अप्रोच जो आपको समझने की जरूरत है मार्क्सिस्ट रिगार्ड स्टेट इंटरवेंशन अब स्टेट इंटरवेंट करती है स्टेट बहुत सारे कानून बनाती है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल लाती है इंडिया में भी अब आपको कि सर इंडस्ट्रियल लेबर कोड आ गया ठीक है वेज कोड आ गया ये कोड आ गया वो कोड आ गया है ना तो मार्क्सिस्ट इसको भी जो है गलत मानते हैं इसको भी डिनाई करते हैं मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए इस तरह के लॉज लेकर के आते हैं ठीक है ये ऐसा नहीं है कि वर्कर्स की कंडीशन कुछ बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं या एक बैलेंस लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं कंपीटिंग ग्रुप्स के अंदर इसमें मेन एजेंडा जो है वो क्या है मेन एजेंडा इसके अंदर यही रहता है कि किस तरह से जो मैनेजमेंट है जो ओनर्स हैं जो कैपिटलिस्ट हैं उनके इंटरेस्ट को यहाँ पर सपोर्ट किया जा सके है का उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है तो प्लोरलिस्ट अप्रोच और मार्क्सिस्ट अप्रोच दोनों ऑपोजिट एंड के ऊपर खड़े हमें दिखते हैं right, so guys, यहां पर हमारी मार्क्सिस्ट अप्रोच खत्म हो जाती है बेसिक आइडिया हमें मिल गया मार्क्सिस्ट अप्रोच का ओके इससे ज्यादा डिटेल में जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है ये सारी अप्रोचेज को अगर आप पढ़ने लगोगे तो पूरे पूरे थी इनके ऊपर कोई फायदा नहीं होगा आपको इतना आपके लिए सफिशेंट है सो यहाँ पर हम अपने लेक्चर को खत्म करेंगे एंड आई होप आपको मजा आया होगा कुछ नया सीखने को मिला होगा रिविजन हो गया होगा एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय